हाय ब्रो। हाय, तुझे पता ही रहेगा ना आज नीट का रिजल्ट है। शिट, तो 720 पे 720 आने वाला है ना। हाँ, फोन पे तो क्या क्या बोल रहा था भाई तू। हाय ब्रो, कैसा है भाई? मैं मस्त हूँ भाई, अभी अभी नीट देके आया मैं। भाई इतना इजी था ना पेपर, मतलब मैंने गांड मार दी है पेपर की। मतलब अगर मेरे बच्चे के बच्चे भी जो नीट देने वाले हैं उन्होंने ये पेपर अटेम्प्ट किया रहता ना, तो भाई उन्होंने भी 720 लाया रहता, जो कि मैं भी लाने वाला हूँ। भाई 10 मिनट में सॉल्व किया मैंने, मतलब क्वेश्चंस देखा भी नहीं, सीधा ऑप्शन देखा और मार्क कर दिया भाई। कम ऑन, केमिस्ट्री सीरियसली अपन केमिस्ट्री का बात करेंगे भाई। केमिस्ट्री का तो मैंने क्वेश्चन पेपर भी नहीं देखा, सीधा OMR शीट पे 50 बबल करके आया मैं, मतलब इतना इजी था। केमिस्ट्री का पूछ मत रे, केमिस्ट्री में मेरे को भाई 5 मार्क एक्स्ट्रा दे देता वो बबलिंग का, पर देते नहीं नीट में, वो पता चला बाद में गूगल किया मैं। फिजिक्स का तो सवाल ही नहीं भाई, सारे क्वेश्चन सेम, मतलब जो प्रैक्टिस किए थे वही वैल्यूज। मैं तो भाई क्वेश्चन देखा, मैकेनिक्स का क्वेश्चन देखा, बबल सी ऑप्शन सीधा। एक्सपेक्टेशंस भाई, ऑफकोर्स 740 का एक्सपेक्टेशन है, बट तुझे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गूगल पे मैंने चेक किया कि वो देते नहीं है एक्स्ट्रा मार्क्स। यार कब रिजल्ट लगेगा यार, मैं पहले ही रुका है। देख सब लोग आएंगे, देख सारे कोचिंग वाले आएंगे, डिस्टेंस कोर्स लेंगे मेरे से, मैं पैसा लेगा वो पैसा उड़ाएगा। आंसर की का बात मत कर भाई, मतलब मेरा पेपर ले लेंगे ना वही आंसर की बन जाएगा भाई। सीरियसली सोचो, क्लब जाऊँ, मतलब यार क्लब के लिए लोकल से जाना पड़ेगा ना।